मैम सबसे बड़ी बात कि मेरे हाथ में काला ये धागा लगा हुआ है जो डांगरी में कल इंसिडेंट हुआ है और जेके एसएसबी द्वारा जो धांधलियां हो रही है ये उनके लिए एक मार्क है, अब एक साइन है। इसके जरिए मैं अपनी बात को आगे कैरी करने की कोशिश करूंगा। आपने पूछा कि ये क्या चल रहा है, मैं आपको बताया चलूं कि आपने एपटेक का नाम तो सुना होगा, एक एग्जाम रिक्रूटमेंट एजेंसी है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राज्यों में इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और बहुत सीरियस एलिगेशंस लगी हैं इस कंपनी पे। ऑनरेबल हाई कोर्ट की स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस थी, गाइडलाइंस कि आइंदा आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, बात हो जाए। लेकिन जेके एपटेक जैसी दलाल और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर किया, 30 तारीख के लिए बोला गया था कि आंसर की रिलीज होगी, लेकिन बदकिस्मती है कि दो दिन पहले ही वो आंसर की लीकेज हो गया। ये एक इंडिकेशन है स्कैम का। मैं आपको बताया चलूं ये वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिसने 2018 में यूपी के अंदर जो यूपीपीसीएल के द्वारा एग्जाम होने को जा रहा था जेईई का, बहुत बड़ा स्कैम सामने आया था, ब्लैक लिस्टेड कंपनी एपटेक डील कर रही थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी पेपर लीकेज, ब्लैक लिस्टेड एपटेक, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट और बाकी राज्यों में भी सीरियस एलिगेशन है करप्शन केस पे। भला जेके एसएसबी क्यों है एडमेंट इस चीज को, ये कौन सी मोहब्बत है, ये कौन सा लैला मजनू का प्यार है उनके बीच कि इसको बार 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 एपटेक के इतना फेवर किया जा रहा है। इसी मसले में आज यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं और अपनी बात को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पीएमओ हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी तक भी इस बात को कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि बात की जाए इंसाफ की, ये बच्चे दर बदर हो चुके हैं, लाखों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। और उसके अलावा एक और बात जो शायद तमाम लोगों को पता ना हो वो ये है कि जब आंसर की रिलीज होती है हजारों बच्चों की आंसर शीट्स के साथ, रेस्पॉन्स शीट्स के साथ मैनिपुलेशन हुआ है। मेरे साथ एक बच्चा है, प्लीज मुझे बता दीजिएगा वो लिस्ट कहाँ पे है, एप्लीकेशन कहाँ पे है। उस शख्स ने मेंशन किया है कि मैंने कितने क्वेश्चंस ठीक किए थे, लेकिन वो ये देखिए, ये अब मैं आपको लिस्ट बताया चलूं, आपके कैमराज अगर इसको देख पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे ऐसे हैं जो उसने ठीक किए हैं लेकिन एपटेक की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ने इसको गलत किया है। कल को यही एपटेक बोलेगी कि टेक्निकल एरर्स थे, लेकिन ये टेक्निकल एरर्स नहीं है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं ये टेक्निकल स्कैम्स है, दिस इज टेक्निकल स्कैम, और जिसकी वजह से बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, बच्चों को दरबदर किया जा रहा है, बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, और फिर जब बच्चे कल को एज की डिमांड करते हैं कि एज को इंक्रीज करा जाए तो उनकी बात कोई नहीं सुनता, उन पे लाठी चार्ज होती है, हर तरह से जुल्म हो रहा है। हम इंसाफ चाहते हैं, अगर ये पेपर लीकेज, अगर ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी, इस पे स्कैम्स के इतने सीरियस एलिगेशंस, इसने एग्जाम कंडक्ट क्यों कराया, क्यों जेके एसएसबी इसको फेवर, तो ये जो रेस्पॉन्स शीट्स मैनिपुलेशन है, इसका इंसाफ चाहिए बच्चों को, इसका इंसाफ चाहिए बच्चों को। आपने देखा होगा कि जो कराए थे एग्जाम्स उसके वो भी स्क्रैप हो गए थे, फाइनेंस अकाउंटेंट की आप बात करो, जेकेपीएसआई की जो पिछला वाला एग्जाम हुआ था, और उसके अलावा भी बहुत सारे केसेस अभी चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन है, और कुछ मसले सब्यूटाइज्ड हैं, कोर्ट में पड़े, ऑनरेबल कोर्ट में पड़े हुए हैं। तो जबकि हाई कोर्ट ने भी क्लियरली इस चीज को बता दिया था कि जेकेएसएसबी जी अब आगे ना बढ़िए इससे ज्यादा, लेकिन उनकी डायरेक्शंस को भी बिल्कुल छलांग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सर आप मुझे एक बात बताइए, शायद मुझे ये बात कहना गलत होगा, एक रेपिस्ट होता है जब वो रेप करता है ना, सजा काट के आता है, क्या लोग उसको अपने घर में जगह देंगे? लोग बोलेंगे नहीं ये रेपिस्ट है, इसको अपने घर में हम जगह नहीं देंगे, क्योंकि उस पर रेपिस्ट का एलिगेशन चार्ज लगा होता है। इसी तरीके से अगर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसमें सीरियस एलिगेशंस हैं, आप कैसे हायर कर सकते हैं उसको, जबकि आपके पास इंडिया, हमारा देश दुनिया के बहुत बड़े देशों में है, डेवलपिंग नेशन है, क्या एक ही कंपनी बची थी आपके पास? करप्शन, स्कैम्स, इंट्रैक्शन, सर बिडिंग मैटर ने कहा, सबसे बड़ी बात है ये नंबर टू पे कंपनी थी, ये बिडिंग पे भी नंबर टू पे थी, नंबर वन पे नहीं थी, ये नंबर वन पे नहीं थी, ये नंबर टू पे थी, ये अब चेक करिएगा फैक्ट्स को देखिएगा, आप नंबर टू पे थी, बिडिंग के नॉर्म्स को भी वायलेट करते हुए, टेंडर के नॉर्म्स को भी वायलेट करते हुए जेकेएसएसबी ने इसको हायर किया। हमारी मांग की एलजी सर से, एलजी सर से भी हम छलांग मारेंगे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे ऑनरेबल पीएम सर से, कि देखा जाए इस मुद्दों को, क्यों
क्यों बच्चों के साथ गलत हो रहा है, क्यों बच्चों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, जबकि ये देश हमारे लिए, हमारा, हमारी भारत माता, और हम पे जुल्म हो रहा है। ये कॉलोनियल लीगेसी है, ये ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है, ये दलाली है, ये नहीं चलेगी। हमारी मांग है कि इंसाफ हो। और रेस्पॉन्स शीट्स जो मैंने बात कर रहा था, रेस्पॉन्स शीट्स के साथ मैनिपुलेशन हुआ है, 18 क्वेश्चंस का गफला हुआ है। ये बच्चा मुझे एप्लीकेशन बता दीजिएगा, आपको बताया चलूं मैं। इस शख्स ने अपना दर्द इसमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चंस इसने ठीक किए हैं, लेकिन एपटेक ने इन क्वेश्चंस को गलत किया है। गाइस आप मुझे बताइएगा कौन इंसाफ देगा इसको, और इसके जैसे ये एक नहीं है, हजारों बच्चे हैं, हजारों बच्चे, कौन इंसाफ करेगा। कल को यही एपटेक बोलेगी टेक्निकल एरर, लेकिन ये टेक्निकल एरर नहीं, ये टेक्निकल स्कैम है, ये टेक्निकल स्कैम है।